निर्देशक हैं सही विजय कटारिया जी, और अवधि है 1 घंटा। इसके बाद 10 मिनट का मध्यांतर होगा और उसके बाद हमारी अगली प्रस्तुति पेश की जाएगी जो कि एक हल्की फुल्की गुदगुदाती हुई कॉमेडी है जिसका नाम है मोहब्बत नई स्टाइल में और जिसकी अवधि है 30 मिनट। तो प्रस्तुत है हमारी आज की पहली प्रस्तुति चमत्कार। Oh,
अच्छा एक आइडिया है, अरे वो सेल्यूलर वाला नहीं, अरे वही जो रामसे ब्रदर्स की हर फिल्म में होता है। जी हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, काला जादू। हाँ हाँ काला जादू, और यही एक फील्ड ऐसा बचा है जिस पर मैंने आज तक कोई रिसर्च नहीं की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही रिसर्च मुझे नोबेल प्राइज भी दिलवा सकता है। हाँ ये ठीक रहेगा। ये क्या करने जा रहा है डॉक्टर? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ, तुम्हारा जमीर हूँ, मुझे पहचानो और इस कुमार पर जाने का विचार अपने मन से निकाल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। काला जादू तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का भी संपूर्ण नाश कर देगा। काला जादू एक छलावा है, एक धोखा है, एक फरेब है, इसलिए अपने आप को संभालो डॉक्टर और इस मृत्युशैया से बाहर आओ। बहुत खूब डॉक्टर, बहुत खूब। आज पहली बार तुम्हारी खोपड़ी में गजब का आइडिया आया। हाँ हाँ काला जादू डॉक्टर आगे बढ़ो, काले जादू की दुनिया तुम्हारे स्वागत के लिए अपनी पंखे बिछाए खड़ी है, वहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। काला जादू ही तुम्हें सिकंदर से भी अधिक महान और शक्तिशाली बना सकता है। इस फील्ड में महारत हासिल करने के बाद तुम बिना टिकट और पासपोर्ट के दुनिया में कहीं भी आ जा सकते हो, बिना स्पेसशिप के चांद तारों की सैर कर सकते हो, चुटकी बजाते ही अदृश्य हो सकते हो। आगे बढ़ो डॉक्टर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो डॉक्टर, आगे बढ़ो। तो फिर ये तय रहा कि आज रात ठीक 12 बजे मैं काले जादू की किताब में छपे तांत्रिक मंत्रों का जाप करके दूसरी दुनिया की काली शक्तियों को बुलाने का प्रयत्न करूंगा। जाकर
प्यासी डायन मूवी देख कर आता। सुना है रामसे जी ने काफी खूबसूरत काम किया है उसमें। यू नो रामसे? नो। ओ साइंटिस्ट। ओके तो मैं चलना है। ओके। अरे अब तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं। कलम तो मांगे नहीं तुझे। कलम भी मांगना था। जल्दी फड़ो, फिल्म निकल जाएगी। तो जल्दी आना, फीडबैक देना। एक बार और ट्राई किया जाए, पर किसको?
हाँ गब्बर को, गब्बर को मैंने कभी हकीकत में देखा भी नहीं, मैं भी देख लूंगा और आप भी देख लेना। हाँ गब्बर को ट्राई करता हूँ। हाँ गब्बर आए नमा, 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 गब्बर। अरे वो सांबा, मैं सांबा। अरे जरा इधर बता तो, सरकार हम पे कितना इनाम रखी है? पूरे 50,000। वो पता है क्यों? जब इंडिया हैबिटेट के पास से लेकर 50 मील दूर तक कोई बच्चा रोता है तो मॉडर्न माँ कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। है गब्बर है या कछुआ सा मगरमती, जा सो जा। और तू गब्बर हमको नाश्ते की टेबल से उठा लिया, सुर्दी खा गए, बोल क्या काम है? कुछ नहीं, वो मैंने आपको सिर्फ देखने के लिए बुलाया था। साला गब्बर में मुफ्त का समझ रखा है, देखने के लिए बुलाया है। तुम्हारा मत बुलाना, बहुत काम है नरक लोक में। अब नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ देख लिया। देख लिया? नरक में जाकर आप जरा भी हार गए कुछ। गया बहुत ही कमजोर हो गया। वहां क्या मिलता है नरक में पता नहीं। खैर जब हमारा नंबर आएगा जब देखेगा। उसका नाम था क्या, कुछ हॉलीवुड के स्टार की तरह नाम था, देखने में वैसा ही लगता था, पर था क्या? हाँ रैम्बो, याद आया, रैम्बो, रैम्बो आई नमा, 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 रैम्बो आई नमा। I am watching play because it's my holiday. आकाशवाणी? पर उसका था क्या नाम, कोई तो बताओ, था क्या नाम उसका? Terminator. हाँ रैम्बो, थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू रैम्बो, हाँ याद आया, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर आए नमा, 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 टर्मिनेटर आए नमा। फोन दे, मुझे फोन दे, फोन दे, मुझे 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 फोन
तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रेत आत्मा रात में एक बार ही अपने मिशन पर निकलती है, और आज रात का मिशन मेरा पूरा हो चुका है और फिर मैं ओवर टाइम भी नहीं करता। यदि तुमने मुझे फिर बुलाया तो मैं तुम पर 3rd degree का इस्तेमाल करूंगा। 3rd degree का मतलब समझते हो? नहीं नहीं। कहां से है? यूपी से। केवल टीवी बहुत देखता है। गुड बॉय, मैं फिर चलना है। सांसारिक सुखों के बिना डॉक्टर मन की शांति व्यर्थ है। एक सांसारिक प्राणी हो तुम और उसे पूरा अधिकार है कि वो इस संसार के सभी सुखों का उपभोग करे, और काला जादू एक मात्र ऐसा साधन है जिसकी मदद से तू इन सभी सुखों को भोग सकता है। तू क्यों व्यक्ति इस सुनहरे मौके को गंवा देना चाहता है? नहीं नहीं डॉक्टर, ये सब मिथ्या है, ईश्वर के बनाए गए कानूनों के विरुद्ध है। तुझे इस दुष्ट की बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि और अपने विवेक डॉक्टर अच्छी तरह सोच विचार कर ले। ये तुझे तेरी किस्मत से अधिक कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन हमारे यहाँ किस्मत या तकदीर जैसी कोई बंदिश नहीं है। आगे बढ़ो। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर। कांग्रेचुलेशंस सती, आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। अच्छा। और अब आप 20 साल तक काले जादू की शक्तियों के मालिक बने रहेंगे। 20 साल तक? केवल 20 साल। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे इंक्वायरी ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है कि आपका जीवन मात्र और मात्र 20 वर्ष का शेष बाकी बचा। ओनली 20 इयर्स। हम चाहकर भी आपका जीवन नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि आयु निर्धारण एक्ट के अनुसार आयु से संबंधित सारे राइट पब्लिक सेक्टर के पास सुरक्षित है। यदि आपको काले जादू की शक्तियां पानी है तो आपको एक बॉन्ड पर साइन करके देना होगा। अच्छा, बॉन्ड कहाँ है? किथे गया? एलो जी, पढ़ो तुझे। इस बॉन्ड में लिखा है कि आप अपने बचे हुए जीवन काल में कभी भी ईश्वर का भजन पूजन नहीं करेंगे, और आपके मरने के उपरांत सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा पर मेरे बॉस का अधिकार होगा। और इसे पलटिए, एनेक्शन भी पब्लिक यानी परलोक के रिकॉर्ड के डिपार्टमेंट के लिए। इससे यह सिद्ध होता है कि फॉर्म भरते वक्त और बॉन्ड पर साइन करते वक्त आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था एकदम दुरुस्त थी। इससे हम परलोक की किसी भी कानूनी कार्रवाई से जरा बच सकेंगे हैं। तो क्या आप राजी हैं साइन करने का? कलम निकालना। ब्लड ग्रुप तो ये नहीं पड़ा। हेलो, मैं कुछ हेल्प करूं? कोई जरूरत नहीं। वही खुशबू आ रही है। नाश्ते में क्या खाते हैं? केला पिकन। ओके। ओ पॉजिटिव, केवल खून। क्या बात है। ठीक है, अब आप काले जादू की शक्तियों के मालिक लगभग बन चुके हैं। लगभग? जी हाँ, पूरी तरह से बनने के लिए आपको एक शपथ उठानी पड़ेगी।
ट्रिपल एक्स कौन इसे पीजिए, इसे पीने के बाद आप काले जादू की शक्तियों के मालिक बन जाए। अच्छा बनना हाँ, तो अब काले जादू की शक्तियों के मालिक बन गए। अच्छा और ये लीजिए, क्या ये मोबाइल? अच्छा मोटरोला का। ये किसलिए? ये इसलिए कि आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो तो आप इस पर नंबर डायल कीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। अच्छा लेकिन नंबर? नंबर है 0000। जब जीरो खत्म हो जाए ना हाजिर। अच्छा तो ट्राई करो। अभी नहीं, पहले आप मुझे कुछ अच्छा सा नाम तो दीजिए इसके मेमोरी में फिट करने के लिए। दीजिए नाम। हाँ हाँ देख लीजिए। अरे पूरी तरह से देख, पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए ना। अच्छा नहीं पर्सनैलिटी के हिसाब से। हाँ तो थोड़ा टाइम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ये नाम बहुत अच्छा रहेगा, कालीचरण। ये तो ऐसे जैसे धोबी ने अपने गधे का नाम रख दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई और नाम नहीं मिल सकता? तुम्हारी पर्सनैलिटी को तो ये नाम सूट करता है। देखो चलो ठीक है, आप आ गए। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। ट्राई तो करो, करो नंबर से मिलाना। क्या हुक्म है मेरे आका? काली शक्ति मेरा गुलाम, मैं काली शक्ति का बादशाह हो गया।
जी तुसी छा गए। अच्छा जदों तुसी बॉन्ड साइन किया ना ते उसी वेले मैनू सिलेक्शन ग्रेड मिल गया। हाय राम मुबारक हो। लेकिन सिलेक्शन ग्रेड में क्या मिला तुम्हें? कितनी इंक्रीमेंट हुई? इंक्रीमेंट ओ मैनू 10-60 एक सींग वाले तो 20 गधे हां दो चार कुत्ते ते दो चार कीड़े मिले। है बढ़िया सर जी तुसी बहुत गुड आदमी हो। अच्छा सच में तुमने मुझे सिलेक्शन ग्रेड दिया तो तुसी दसो मैं तुम्हारी की सेवा करा? की सेवा करा? हां हां भाई काले चरण तुम मेरे जीवन के रहस्य के बारे में कुछ बताओ। बड़ी ओखी गल कर दी थी तुसी। क्यों भाई? ओ मैं तो जीवन का की बता? ओ मैं तो मौत का फरिश्ता। कोई और गल करो। और कोई गल? हां हां यार काले चरण तुम ना मेरे लिए ना एक सुंदर सी बीवी ले आओ। कैसी ना वही चल? क्यों साढ़े यहाँ बीवी अच्छी है नहीं अभी? तो फिर वो हम सब के सब इन बीवी बच्चों को बच के ही तो अच्छा आए हैं। तो ऐसे तो बीवी बच्चे ने चक्रों तो दूर ही चल गए। अच्छा और कोई गलत सो? हाँ यार तुम ना पहले एक बात बताओ क्या तुम्हारे शादी वाह कुछ नहीं होता? ओ नहीं सर जी साढ़े यहाँ इस दुनिया तो सब कुछ उलट है। अच्छा तो फिर यार क्या बनाए साढ़े यहाँ सिर्फ गर्लफ्रेंड मिल सकती है। बोलो केड़ी गर्लफ्रेंड चाहिए तो आने? केड़ी गर्लफ्रेंड? हाँ मैं तो आटे वास्ते गर्लफ्रेंड थी लाइन लगा दूंगा। ए मेरा माता है। बोलो तो सो मिस काटा। मिस काटा का बुलाओ। मिस काटा हले नहीं आ सकती। क्यों भाई? वो अभी तो कह रही हूँ शेखर भी अपना इंटरव्यू दे रही है। अभी तो एक एल्बम हिट हुई है उसकी। दो चार एल्बम और बनाएंगी तो दो चार फ्लॉप होंगी तो डिप्रेशन में जाएंगी। कहा फिर वो आत्महत्या करेंगी? फिर वो साढ़े ग्रह जा सकती? कहा फिर मुंह में ला सकता? ये वैसे डमी से काम चला सकते हो तुम? डमी में कभी नहीं 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 कभी नहीं चले। बोलो कोई और गर्लफ्रेंड नहीं? और गर्लफ्रेंड कैसी? कैसी भी हो यार अपनी पसंद के लिए किसी को तो लाओ। अपनी पसंद की लाओ सती। तुसी पहले आदमी ऐसे मिले हो जो मैंने यार कह रहे हो और अपनी पसंद करने को कह रहे हो। लो मैं तुम्हारे बाद कभी मिस पाकी जरूर बोला। दिल थाम के बैठो। अच्छा तुसी भी और असी भी तुसी बैठो मिस पाकी जरूर। हेलो जी करना। मैं गलती सुधारने का मौका दो।
मैं क्वाडे वास्ते हूं एक से एक बहुत गर्लफ्रेंड लाना हां मुझे नहीं चाहिए कोई गर्लफ्रेंड समझा पापा जी एंड ना करो ठीक है कर कोशिश ए हुई ना कर तो तुसी देखो मैं क्वाडे वास्ते भी खोखली वुड की नंबर 1 हीरोइन मिस खोखली को लाना मिस खोखली को लाना तुसी नाम सुना खोखली वुड का हॉलीवुड सुना है बॉलीवुड सुना है ये खोखलीवुड क्या है नाम भी सुनो और देखो भी खोखलीवुड इस खोखली नु मैं अभी लाना तुसी देखो हां हाय काली हाय डॉक्टर अरे तनु हाय बोल दी काली डॉक्टर को निराश कर दिया क्या नहीं देखो तो सही कितने ट्रांसपेरेंट है डॉक्टर साहब इधर भी तो पसंद नहीं ले तो फिर मैं नुवा पर भेज देना ये तो बड़ी अच्छी सी लग रही है तू पीछा दे हाय मिस खोखली हाउ आर यू आज आपका क्या प्रोग्राम है अच्छा तो चलो चलो कहीं दूर घूमने चलते हैं कहाँ लोधी गार्डन चलते हैं चलो मेरी गलत सुनो तो सही गलत है क्यों है योरेंट लगाया कितने साल हो गए यहाँ पे 50-60 साल तो हो गए डिओड्रेंट लगाया करो और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम यहाँ बैठकर घर की रखवाली करो ठीक है चुप चलिए मिस कोकली ये शिकायत क्लिंटन ने भी की थी और भाई यार डॉक्टर भी कितनी पागल है मरेगा जो इसने बेरा होनी अरे ये जो मिस खोखली है ना इसने मरे हुए 40 साल हो गए ये अभी तो भूतनी है जीव देखिए पार्क में वोट बड़ा मुंह खोलेगी ना जो इसके इतने बड़े बड़े दांत दिखेंगे जीव इसने मेरी याद आओगी घर के भाई इन्होंने तो यहाँ बैठा है चलो घर की रखवाली करो तो घर में धरक लिए एक टेबल धरिए और हैबिटेट की दो कुर्सी धरिए घर रखवाली करो इनने कौन ले भाई भाई हमारी तो ड्यूटी है रखवाली करेंगे ठीक है भाई देख मेरा ससुरा अरे छोड़ गया मोबाइल ले मरेगा भाई चल भाई ना जी बुलाओगा जी भी जाऊंगा निकट ही नहीं जाने का थोड़ा तो आराम करो भाई ओ काली चला आया बुआ जी आप बैठिए तो सही ले बैठ गई मैं हां बोल और हां चलो डॉक्टर चाचा नजर नहीं आ रहा मुझे जी ना उन्हीं के बारे में बता रहा हूं बुआ जी चाचा जी को तो किसी भूत पिशाच का साया है भूत पिशाच का साया है हां भूत पिशाच का वो अकेले में दीवारों से बातें करते हैं रोज मरते दारू पीते होंगे अपना खून मिलाकर हां बुआ जी खून मिलाकर अरे तो बोल लगने रात को तो चिंता ना कर मैं आ गई हूं सब ठीक हो जाएगा मैंने हर घर में अच्छे अच्छे भूत बना दिए टर्मिनेटर अरे कोई सा भी टाइटल नहीं बोली टर्मिनेटर अरे कोई सा भी टाइटल हो ये तो मेरा दोस्त लाया है कौन टर्मिनेटर अरे नहीं मेरे डॉक्टर चाचा तुम तो ठीक है भाई ये कहीं चांदी पर और लगता है जो रात की जल्दी सुबह एक पढ़ी तो हम क्या बराबर काटने ना एक पंडित और 11 ब्राह्मण का इंतजाम कर क्या जा जल्दी ठीक है बाजी आप अंदर चल के आराम कीजिए मैं एक पंडित और 11 ब्राह्मण को आमंत्रित कर रहा हूं आप अंदर जाइए और हां महीना रह गया ना हां जल्दी आ जा जल्दी जल्दी अम्मा कभी भी ईश्वर का भजन पूजन किया तो फिर मैं आपको डीप फ्राई करके काले कुत्ते को मिला लूंगा
खून मैं पी जाऊंगा आपका। नहीं कालीचरण, देखो ऐसा मत करना, और यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हा? और देखो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम किसी भी तरह से इस यज्ञ और पाक को तहस नहस कर दो, और हाँ उस पंडित की तो अच्छी तरह मरम्मत करना। ओके, मरम्मत करने में दासीदा नाम ही तो सीधे। ब्राह्मण देवता कौन सी गलती होगी, ये लो मार लो।
सर जी ये लीजिए। ये कहाँ का नक्शा है भाई? क्या मुगले का सर का? ये नक्शा नहीं है। तो फिर ये एप्लीकेशन है मेरी एक दिन की छुट्टी। एक दिन के? हाँ। इतनी बड़ी? हाँ पूरा इसमें ग्राफ बना रखा है। लेकिन छुट्टी किस खुशी में चाहिए? कल वैलेंटाइन डे है ना, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा मार्केट घुमाने का वादा कर दिया है, बस एक दिन की छुट्टी चाहिए। मेरे से पूछ करके आ गया वादा जो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूं? भाई बॉन्ड भरते वक्त तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी आत्मा अपने बॉस के लिए गिरवी रख रहे हो और बदले में 20 वर्ष तक मेरी नौकरी बजाओगे। अभी तो 5 साल और बाकी हैं। अरे सर जी मैं छुट्टी पर तो ऑफिशियल थोड़ी जा रहा हूँ। तो फिर बस आपसे एक दिन का फेवर मांग रहा हूँ ताकि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जरा शॉपिंग का एक्सपीरियंस ले लूं। कोई फेवर नहीं मिलेगा समझे? सर जी एक दिन की तो बात है। नहीं आधे दिन की दे दीजिए। नहीं 4 घंटे? अरे नहीं 3 घंटे? अरे नहीं 2 घंटे? नहीं अभी दो? नहीं अरे दे दो? नहीं अरे दे दो? नहीं दो? नहीं दो? नहीं दो? नहीं दो? नहीं दो? नहीं 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 कोई छुट्टी नहीं। नहीं नहीं मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। नहीं नहीं कोई छुट्टी नहीं। नहीं नहीं कोई छुट्टी नहीं। नहीं नहीं चाचा जी नहीं कोई छुट्टी नहीं। चाचा जी नहीं। चाचा जी ये किसको ना छुट्टी देने की बात कर रहे थे आप? अरे बाप रे बाप बड़ा भयानक सपना था भैया। ये क्या? चाचा जी हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। अच्छा हाँ चलो अच्छा हुआ, नहीं तो इस काले जादू के चक्कर में। जादू? हाँ विजय काला जादू। जब आदमी अपनी मंजिल के नजदीक होता है तो उसके पैर डगमगाते हैं। चलो इसी बहाने एक सबक तो मिला कि मंजिल के नजदीक होते हुए कभी पैर नहीं डगमगाने चाहिए। चलो अगला प्रयोग शुरू करते हैं। हाँ, चलो, चलो।